तो ये कब होता है? जैसे मैं दिखा रहा हूँ फिर, जब मैं पासवर्ड इसको बार बार जब गलत हो जाता है, पासवर्ड भूल जाते हैं ना, जब 2-3 बार ट्राई करने के बाद नहीं होता है, तो आपको ये चीज़ सॉल्व देखना पड़ता है, ठीक है? तो इसका हम सॉल्व कैसे करेंगे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तो दोस्तों कैसे हैं, उम्मीद करता हूँ लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जिन लोगों का NCV लॉगिन नहीं हो रहा है, जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस तरह अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है, ये कब होता है कि जब आप यूजर नेम यानी पासवर्ड भूल जाते हैं, इसको बार बार ट्राई करने के बाद जब ये नहीं होता है तो इस पर प्रकार आपको दिखाई देगा। तो इसका सोल्यूशन लेकर आया हूँ। 2 मिनट के अंदर अपने ही मोबाइल फोन से आप इस सोल्यूशन को कर सकते हैं और लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है? कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, किसी दोस्तों के पास भी जाने की जरूरत नहीं है, अपने ही मोबाइल फोन से आप खुद इस तरह का सोल्यूशन कर सकते हैं कि आप ये जब होता है कि आप ये लॉगिन नहीं हो रहा है, स्क्रीन पर ऐसा आ रहा है, तो हम इसको कैसे हम लॉगिन करेंगे, जो कि मेरा पैसा दिखना है, मुझे चेकिंग करना है, ठीक है? और भी चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ, सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने हमारे चैनल हंसी ब्रो ब्लॉग को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और कमेंट करना ना भूले। कोई भी मन में कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये कब होता है? जैसे मैं दिखा रहा हूँ फिर, जब मैं पासवर्ड इसको बार बार जब गलत हो जाता है, पासवर्ड भूल जाते हैं ना, जब 2-3 बार ट्राई करने के बाद नहीं होता है, तो आपको ये चीज़ सॉल्व देखना पड़ता है, ठीक है? तो इसका हम सॉल्व कैसे करेंगे? ज़्यादा देर नहीं करेंगे भाई दोस्तों, बस एक लाइक कीजिएगा, ठीक है, और कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। तो चलिए हम शुरू कर देते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, इस कोने में फॉरगेट लिखा हुआ है, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना, ठीक है? फॉरगेट के ऊपर क्लिक कर देते हैं। यहाँ से आपको 51 नंबर दे देना है, उसके बाद हम प्रोसेड पर क्लिक कर देंगे, ठीक है? तो हम यूज़र नेम दे देते हैं, यानी 51 नंबर हम दे देंगे और उसके बाद प्रोसेड पर क्लिक कर देते हैं। तो हमने यूज़र 51 नंबर दे दिया, तो हमने 51 नंबर दे दिया, हम प्रोसेड पर क्लिक करते हैं। थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, जैसे देख सकते हैं यहाँ फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ यूज़र नेम पर नहीं, ठीक है? तो अब यह करना का आपको इंटर कार्ड नंबर, जो कि आपके पास ATM पिन कार्ड होगा, वो ATM कार्ड नंबर यहाँ पर आपको नंबर दे देना है, ठीक है? ATM कार्ड आप लोग तो जानते हैंगे कितना नंबर होता है, जितने भी आपका ATM में कार्ड नंबर है टोटल, ठीक है, शुरू से लेकर आखिर तक इसको दे देना है इंटर कार्ड नंबर। उसके बाद इंटर पिन नंबर वो होता है जो आप ATM का पिन नंबर दिए हैं, ठीक है? अब आपका चॉइस के हिसाब से जो दिए हैं ATM पिन नंबर यहाँ पर टाइप कर देंगे, हम प्रोसेड पर क्लिक कर देंगे। तो सबसे पहले हम इंटर कार्ड दे देते हैं और उसका ATM पिन नंबर दे देते हैं। पिन नंबर ध्यान से दिखेगा, गलती ना हो, ठीक है? और कार्ड नंबर पूरा दीजिएगा, ठीक है, आपका जो ATM में नंबर है, ठीक है? दिखा देता हूं मैं आपको। तो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ ने हमने डेबिट कार्ड नंबर यानी कार्ड नंबर दे दिया हूँ, ठीक है? यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप इस साइड में नहीं आएगा, सिर्फ डेबिट कार्ड पर यहाँ लिखा रहेगा, यहाँ से कार्ड नंबर दे देंगे, यहाँ पिन नंबर दे दिया हूँ, हम प्रोसेड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ न्यू पासवर्ड डिटेल्स करने बोलते हैं, आप जो पासवर्ड भूल गए उसको जाने दिए खल्ली वल्ली, ठीक है दोस्तों? आप न्यू यूजर पासवर्ड डाल सकते हैं, यहाँ दोबारा पासवर्ड डालना पड़ेगा, थोड़ा हार्ड भी देख सकते हैं, कुछ भी देख सकते हैं, पहले आपका नाम दे दीजिए, उसके बाद कोई भी नंबर लिख सकते हैं, ठीक है? जो नाम पहले देंगे वो आपका बड़ा अक्षर में होना चाहिए, ठीक है? जैसे कि मैं ए दबाऊंगा तो मेरा पहला नंबर जो कि बड़ा कैपिटल में आ जाएगा, ठीक है? ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? उसके बाद जो नाम है सब स्मॉल लेटर में देते जाइएगा, और नंबर जो कि 1, 2, 3, 4 कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है? तो जो आप पासवर्ड देंगे यहाँ पर, सेम पासवर्ड यहाँ पर भी देना पड़ेगा, ठीक है? तो हम पासवर्ड दे रहे हैं, तो मैंने पासवर्ड दे दिया, ठीक है? यहाँ पर भी पासवर्ड दे दिया, यहाँ सेकंड नंबर में वही पासवर्ड दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी 4 टिक है ये टिक होना चाहिए। अगर आप लोग पासवर्ड नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपने स्ट्रॉन्ग पासवर्ड नहीं दिए हैं। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का मतलब मैं बार बार बोलता हूँ, आप पहले ये दबाइएगा, इस कोने में जैसे दिखा दे रहा है मैं दबाया, उसके बाद कोई भी नाम एक आप इस तरह कर दीजिएगा, ठीक है, आपके नाम के हिसाब से, उसका छोटा स्मॉल जितना भी आएगा लिख दीजिए, और उसके बाद आप 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी लिख देख सकते, ठीक है? तो मैंने दे दिया, यहाँ पर टिक मार हो गया, सब कुछ हो गया, यहाँ प्रोसेड पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद अब OTP आएगा, ठीक है, बैंक की तरफ से, उस OTP को यहां पर टाइप कर देंगे, तो हम OTP टाइप कर देते हैं। उसके बाद यहां कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। आपकी कंपनी की तरफ से कॉल आएगा, NCB की बैंक की तरफ से, ठीक है? तो NCB की तरफ से मुझे कॉल आता है तो मैं क्या करता हूँ, ठीक है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं जैसे कि दिखा देता हूँ मैं आपको, यहाँ एंसर कर लेना है, कॉल को रिसीव कर लेना है, यहाँ हम लोड स्क्रीन पर दिखाते हैं आपको। لقد طلبت تحديث بيانات الدخول للأهلي موبايل. الرجاء الضغط على 1 للاستمرار بتحديث بيانات الدخول للأهلي موبايل. للإلغاء اضغط 2.
अब को करना क्या है कि एक दबाना है, ठीक है। यहाँ बोलते एक दबा दीजिए, तो मैं एक दबा देता हूँ। तो यहाँ से मेरा कि जैसे हो गया, ठीक है, एक्टिवेट हो गया। अब क्या करना होगा, जैसे कि यहाँ कॉल रिसीव हो गया, तो हम क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पर बैक आ जाएंगे, दोबारा से हम उस पासवर्ड को देखकर ओपन करके दिखाते हैं। यहाँ दिखा रहा है, डियर कस्टमर, योर पासवर्ड हैज़ बीन सक्सेसफुली, आपका पासवर्ड बन गया है, अब कोई परेशानी नहीं होगा। अब जो पासवर्ड दिए यहाँ से लॉगिन करके मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ फिनिशिंग पर क्लिक कर देना होगा। दोस्तों एक लाइक किए बिना नहीं जाएगा, आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब वही पासवर्ड देता हूं जो मैंने पासवर्ड दिया, अभी दिखा देता हूं आपको, ठीक है। तो हमने पासवर्ड दे दिया दोस्तों, ठीक है। अब यहां हम लॉगिन पर क्लिक करते हैं और यहां से एक SMS आएगा आपको बैंक की तरफ से। इस बैंक की तरफ से वो SMS को यहाँ अलाउ कर देंगे, ठीक है, और वो दे भी सकते हैं, जो भी आपका मर्जी है, ठीक है। तो यहाँ से जैसे कि देख सकते हैं सब कुछ शो हो गया है दोस्तों, ठीक है। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे कितने बैलेंस है आपका, सब कुछ सारा कुछ शो हो गया। आप यहाँ से मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, पैसा चेक कर सकते हैं, कुछ भी और भी किसी भी जानकारी करनी है आपको, ठीक है, तो मुझे कमेंट करके बताएगा ज़रूर। इंशाल्लाह मैं 100% मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे यूट्यूबर्स आपको नहीं बताया होगा, मैं इंशाल्लाह हर किसी का कमेंट का इंशाल्लाह ज़रूर आंसर दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर करना ना भूले दोस्तों, ठीक है। एक लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और मन में कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन कर सकते हैं, इंशाल्लाह इसका आंसर देने की क्वेश्चन करूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि आपका जो यूज़र नेम भूल गए हैं उसको कैसे आपको रिकवर करने कैसे मिलेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।